Hi, my name is Irfan Hossein. Opulent ने जो ये institute यहाँ खोला है, उसकी क्यों ज़रूरत है यहाँ पे? एक बच्चा जिसको acting का एक professional course करना है, वो कैसे करे? वो बॉम्बे जाए, बॉम्बे में जाने आने का खर्चा है, रहने का खर्चा है. वहाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें प्रोफेशनल टीचर्स पढ़ा रहे हैं. एक वहाँ के इंस्टीट्यूट का एक अलग खर्चा है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं. लेकिन नितेश भाई ने यहाँ पे जो ये शुरुआत की है लखनऊ के लेवल पे, और जिस तरह के क्वालिटी काम यहाँ हो रहा है, मुझे लगता है ये किसी तरह से उन इंस्टीट्यूट से कम नहीं है. अब एडवांटेज क्या होती है कि स्टूडेंट के साथ के 3 घंटे का कोर्स करना है उसको, दिन में 3 घंटे की क्लास, और वो 3 घंटे की क्लास करने के लिए यहां से बॉम्बे चला जाता है. अब उसका बाकी जो टाइम है उसमें वो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ अर्न नहीं कर रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहा है. यहां पे हो सकता है वो कोई जॉब कर रहा हो, कुछ पढ़ाई कर रहा हो. बॉम्बे के जो इंस्टीट्यूट है उनकी फी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां के खर्चे भी ज्यादा है, वहां की बिल्डिंग का खर्चा, सैलरीज, ये वो. जब वो चीज एक्टिंग इंस्टीट्यूट में चाहिए क्या? एक स्पेस, कुछ डिजिटल कैमरास, लाइट्स जो यहां ऑलरेडी अवेलेबल है, और अच्छे एक्टिंग कोचेस. टीचर और कोच में फर्क होता है. टीचर हमेशा जो है वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ाता रहता है, उसका अपना खुद एक्सपीरियंस नहीं. तो ऐसे कोचेस जिनका खुद का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कोच वही बनता है जो खुद खेला होता है. क्रिकेट का एम्पायर अलग हो सकता है, उसमें हो सकता है कि कोई क्रिकेट ना खेला हो, लेकिन कोच ऐसा नहीं हो सकता. बॉलिंग का कोच वो होगा जिसने खुद बॉलिंग की हो. तो जब आपके पास ऐसे कोचेस आएंगे कि जो खुद काम कर चुके हैं या खुद काम कर रहे हैं, और उनके पास उसके बाद भी उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, उन्होंने उसकी प्रॉपर एजुकेशन है, तो वो आपको एजुकेशन दे पाएंगे. अगर आप एक मैकेनिक को बुलाइएगा तो वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसने जो सीखा है वो किसी इंजीनियर से नहीं सीखा, काम करते करते सीख लिया है, तो उसकी एक लिमिटेड नॉलेज है. तो ऐसे लोग जिनके पास खुद प्रॉपर एजुकेशन है इस चीज की, वो फिर इस एजुकेशन को यहां दें. तो स्टूडेंट के लिए क्या हो गया कि यहां पे रहते हुए एक बहुत बेहतर कोर्स वो कर सकता है. तो इस डायमेंशन में जो ऑप्यूलेंट का काम है वो बहुत सराहनीय है, जिसको कहें हम. और ये काफी कोशिश कर रहे हैं कि बॉम्बे से फैकल्टीज आए, और ताकि यहां के स्टूडेंट को फायदा हो, सही ट्रेनिंग उनको मिले, या दिल्ली से आए या बाहर से आए, या यहां जो लोग अच्छे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग यहां दे पाए. तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्यूलेंट के साथ मिलके बॉम्बे की एक टीम यहाँ कुछ नए कोर्सेज डिजाइन करे, नए वहां से फैकल्टीज आए, और एक बहुत प्रोफेशनल सेटअप लखनऊ के लेवल पे बन जाए, और स्टूडेंट्स को वहां जाने की जरूरत नहीं हो, वो वहां जाके अपना शुरू का 3 साल बर्बाद ना करें, बल्कि यहां से प्रॉपर 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग लेके ट्रेन होके जाए, ताकि वहां 3 साल बर्बाद ना हो और वहां उनको थोड़ा जल्दी काम मिले, और यहां बैठ के भी वो वहां के ऑडिशंस दे सके, वहां के कास्टिंग डायरेक्टर से के पास उनकी ऑडियो या वीडियो क्लिप्स पहुंच जाएं, और वो लोग चूज कर सकें, या बॉम्बे के कुछ प्रोजेक्ट्स हों जिनके ऑडिशंस यहां ऑप्यूलेंट में कंडक्ट हों, और यहां से बच्चे सेलेक्ट होके जाएं, क्योंकि दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ से नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे हैं. तो अगर इस तरह का कोई सेटअप बन गया कि वहां के ऑडिशंस आप यहां दे सकते हैं, वहां के कास्टिंग डायरेक्टर्स अपनी यहां पर रिक्वायरमेंट भेज दें और यहां ऑडिशंस हो जाए और वहां चले जाएं, तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको वहां बुलाया जाएगा, फिर उनको वहां पे जो भी ट्रेनिंग और वो व्हाटएवर सिलेक्शन जो उनका वो प्रोसेस ऑन हो जाएगा. तो एक सही दिशा में मैं कहूँगा कदम है, और एक अच्छी शुरुआत है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑप्यूलेंट की जो टीम है ओवरऑल, हर आदमी, नितेश भाई, मनीष भाई, और ओवरऑल
लोग जो हैं वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रोफेशनल सेटअप बन पाए, और मुझे काफ़ी कुछ प्रोफेशनल सेटअप दिखाई है यहाँ पे एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए। ये स्पेस नॉर्मल, यही स्पेस आपको बॉम्बे में मिलेगा, स्पेस ये सिर्फ फैकल्टीज आपके पास आ गई, अच्छी फैकल्टीज जो सही और प्रॉपर जो सब्जेक्टिव नॉलेज होती है वो इम्पार्ट कर सके तो बहुत बेहतर होगा, वो सबके लिए फायदेमंद है, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ जाके अनट्रेन स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और अपना काफ़ी टाइम बर्बाद करते हैं और उसमें से 90% वापस आ जाते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं होती। वही ट्रेनिंग अगर वो यहाँ से लेके जाएं तो भी जब पहुँचेंगे तो शायद सिर्फ 30% वापस आए, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत लगन ये तो हर किसी को करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।